गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और मेरे ब्लॉग में आप सबका स्वागत है और आशा करता हूँ आप सब अच्छे और स्वस्थ मस्त होंगे। और ये मेरा गांव का लास्ट ब्लॉग है, जो कि मैं अब गांव से कल का टिकट है मेरा, निकलने वाला हूँ गांव से, जो कि आए मेरे को हो गया 20-22 दिन हो गए, काफ़ी दिन हो गए। और निकलने वाला था बीच में, लेकिन टिकट नहीं मिल रहा था, इस वजह से नहीं निकल पाए। बाकी ये आज आखिरी दिन है, आखिरी ब्लॉग भी है गाँव का। बाकी कल एक ब्लॉग बनाएंगे निकलने के टाइम। और अभी हम आए हैं, नहा धो के शाम हो गई है और हम आए हैं अपने खेत की तरफ, क्योंकि 2-3 दिन से मैं आ नहीं पा रहा हूँ खेत की तरफ और आ जा रहा हूँ। और आम वाम थोड़े लगे हैं, वो भी आपको सबको दिखाता हूँ। बाकी अपने खेतें दिखाते हैं, जो कि कई गेहूँ वेहूँ सब कट चुके हैं। बाकी अभी कुछ हैं जो कि कट रहा है, आदमी लोग लगे हैं काट रहे हैं। बाकी और बोझ वोझ सब बन गया है। तो बस यही आपको मैं अपने ब्लॉग में कुछ आज के अपने घर के बारे में सब दिखाना चाहता हूँ। और आज और शादी तो हमारे यहाँ संपन्न हो गई, बहन की शादी थी छोटी वाली और वो अपने घर चली गई। कल विदाई भी हो गया, सब हो गया, वो अपने घर पे है, सब ठीक ठाक है, बातचीत हुआ था। और बाकी बस यही ब्लॉग है। बाकी ये देखो पीछे दिखा, हम अपने खेत में आ चुके हैं अभी जस्ट है। और ये पीछे ऊपर आम का पेड़ दिख रहा होगा आप सबको बेहतरीन से। और ये हमारे बड़े पापा ने लगाया था आम का पेड़, जो कि अभी देखो आम दिख रहा होगा आपको छोटे छोटे, अभी छोटे नहीं है ये, कलमी आम यहाँ गांव में बोलते हैं। बाकी बहुत बढ़िया फलता है, बहुत बढ़िया लगा। ये देखो ये लगे हैं, ऊपर भी लगे हैं, बहुत सारे आम लगे हैं, बहुत अच्छा लगता है। और ये और नमक मिर्च के साथ तोड़ के खाओ, इतना बेस्ट लगता है, क्या बताएं। और ये देखो पीछे हमारे ये खेत है गेहूँ का, जो कि इसमें पीछे देखो लोग काट भी रहे हैं, वो देखो आखिरी में वहाँ लोग लगे हैं। और ये पूरा कट रहा है, ये बाकी था, बाकी उस साइड का मेरा कट चुका था सारा, और इस साइड बाकी था जो कि अभी शादी के बाद लगे हैं काटने के लिए और काट रहे हैं सब। यही काट के ख़त्म हो जाना है, फिर बाकी और सब जगह का कट चुका है। और ये देखो आम का नीचे तो गिरा नहीं है, बाकी नीचे से आपको उठा के दिखाता, बाकी वैसे तो दिखा रहा हूँ आपको बैक कैमरे से। देखो गाइस ये देखो कितने बड़े बड़े आम, कितने अच्छे अच्छे हैं, चटनी बना के खाने में बहुत मज़ा आता है नमक मिर्च के साथ। बाकी कुछ आम मैं आज ले जाऊंगा तोड़ के चटनी बनाऊंगा, बहुत सारे लगे हैं बहुत सारे। और ये पकने के बाद मीठे भी बड़े अच्छे लगते हैं, देखो इतने अच्छे लग रहे हैं, बहुत नज़दीक नज़दीक लगे हैं सारे। और बस ये आम 10-15 दिन में बहुत बड़े बड़े हो जाएंगे, उधर भी देखो लगे हैं, लेकिन ये वाला आम अलग है, कुछ अलग ही है। बाकी ये देखो अभी ये गेहूँ की कटाई हो रही है, लोग काट रहे हैं, वो आखिरी तक हमारा ही है पूरा यहाँ तक खेत, बहुत ये 10 बीघा का चक है। इस साइड कर चुका था, इस साइड बाकी था, ये गेहूँ सारे सबके कर चुके हैं, सबके ये ट्यूबवेल है हमारा, यहाँ सोने आते थे दोपहर में पहले गर्मी में। बाकी अभी मौसम सही है। और ये प्याज की खेत है, दिखाता हूँ आपको, रुको देखो ये प्याज सारे हैं, जो कि अभी इसको मैं उखाड़ के दिखाता हूँ। ये देखो ये प्याज लगे हुए हैं, ये भी प्याज लगे हैं, सारे प्याज ही लगे हैं। ये मैंने उखाड़ दिया है, इसको ले जाऊंगा घर, अभी घर पे उखाड़ के गया है। और ये चरी है, जो कि गाय भैंस को खिलाया जाता है। बस गांव में आने के बाद गांव का नज़ारा अलग है, मस्त है, पूरा देसी हवा शुद्ध। थोड़ा मैं काला हो गया हूँ ज़रूर, वैसे भी काला ही था, गोरा था नहीं। और सब इतना अच्छा लगता है, जाने का मन नहीं करता। 20-25 दिन निकल गए, अभी इसी का इंतज़ार था, शादी शादी वहाँ से शादी भी निकल गई और अब हम भी निकल लिए, अब चल रहे हैं, देखते हैं, कमाना तो है, बाहर जाना ही है, अब जाएंगे, एक साल बाद ही आएंगे, उसके पहले आएंगे नहीं। अच्छा यहाँ लगता है जब तक पैसे होते हैं, पैसे नहीं रहते तो फिर अच्छा नहीं लगता, इसलिए यहाँ से निकलना ही बेस्ट है। और प्याज खाते हुए निकलो, ये मेरे छाला हो गया था थोड़ा, मैं दवा लगाया हूँ और इसीलिए आवाज़ भी थोड़ा अच्छे से नहीं जा रही है, बोल नहीं जाऊँ। और पता नहीं किसका जूठा खा लिया, क्या हो गया शादी में कुछ पता नहीं चला, जूठा था क्या था, छाला पल चुका है, जो कि अभी ठीक हो रहा है 2-3 दिन से, स्वाद कोई भी पता नहीं लग रहा है। बाकी चलो अभी आपको दिखाता हूँ कौन कौन काट रहा है, देखते हैं हमारे गांव के ही लोग हैं, बाकी मैं चेक करता हूँ। चलो तो हम आए हैं रोड पे और हम आए हमारे गांव की एक दुकान है, ये देखो साइड में रेस्टोरेंट है, बाकी साइड है। और ये कि हमारे फ़ैन मिले हैं, हमारे गांव के लड़के हैं, फ़ैन क्या है मतलब हमारा ब्लॉग सारा देखते हैं, सारा वीडियो देखते हो पूरा अच्छे से, अच्छा लगता है। और जैसे इनको घूस दे के बुला रहा हूँ, हाँ हाँ बोल रहे हैं। और ये देखो एक भाई साहब समोसा बना रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए फटाफट
और एक स्ट्रिंग दिए हैं पीने के लिए और गाजर दिए थे आधा। का हो तू का लखा थे यार ये आवा हो झाकत है तू आ जा पिक्चर बन तो बाजार और कहाँ कहाँ करे हो तो सुखे बोल बे का नाम है तुहार तो अंश कुमार पढ़े उड़े जाते हो कब ले आए हैं सामान हो और चल रहे हैं बस इसके बाद समोसा खाएंगे यहाँ पे समोसा खा रहे हो चलो समोसा ये भी खाएंगे हम भी खाएंगे बाकी समोसा खा के फिर निकलते हैं घर के लिए। और ये देखो मेरा ब्लॉग में लॉस हो गया मतलब सॉरी उसमें ब्लॉग को एंड करते हैं आपको मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक के लिए बाय बाय वीडियो में ऐसे बने रहो अभी गांव वाला ब्लॉग सब आपको आता रहेगा और गुड नाइट बाय।